चल के थक जाते हैं, वो चल के थकता नहीं है।
आपके लिए नींद जरूरत है, उसको नींद की जरूरत नहीं। वो इंसान से कई गुना ज्यादा कवि है। एक शख्स ने एक आर्टिकल लिखा कि कल मैदान हाशर होगा तो अल्लाह इज्जत के सामने एक साइंसदान खड़ा होगा। तो सब है कहा उसके सामने खड़े होने की किसी को कीमत है। तो कहेगा अल्लाह आपने इंसान बनाया, मैंने भी एक तकलीफ की, मेरा बनाया हुआ इंसान ये ज्यादा मजबूत है आपके बनाए हुए इंसान से। इसके अंदर ये भी खूबियां हैं, इसके अंदर ये भी चीजें हैं। अल्लाह फरमाएगा अच्छा उसका इंतजाम करो। इंतजाम होगा तो तीन रोबोट चलना शुरू हो जाएंगे, दौड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर अपने काम में मशहूर हो जाएंगे, वजन उठाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो अल्लाह अपनी कुदरत से एक रोबोट को खराब कर रहे हैं। अब दूसरे रोबोट चल रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनको कोई परवाह नहीं कि तीसरा खराब हो गया। तो अल्लाह फरमाएंगे देख मैंने जो इंसान पैदा किया अब उसका देख वो क्या है। वो ये है कि तीन काम में लगे हैं, एक को पेट में दर्द हो गया, दोनों से करीब आ गए कि तुम्हें कैसे दर्द हो गया, तुझे क्या हो गया, तुझे क्यों तकलीफ हो गई। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने इसमें सब कुछ रख दिया है, अगर नहीं रखा है तो मोहब्बत नहीं रखी है और इसे मैं रख सकता। लिहाजा पता ये चला कि इंसान से अगर मोहब्बत और एहसास खत्म हो जाए फिर ये रोबोट है और रोबोट इससे ज्यादा बेहतर है, वो इससे ज्यादा ताकतवर है, वो इससे ज्यादा काम करने वाला है। इंसान को जो अशरफुल मखलूकात बनाया गया है उसकी वजह यह है कि इसके अंदर अल्लाह ने एहसास और मोहब्बत का जज्बा रखा है। ये मोहब्बत का जज्बा है, इस मोहब्बत के जज्बे ने इसे मस्जूद मलाइका बना दिया है। और ये मोहब्बत का जज्बा इसके लिए अल्लाह ने एक खास चीज पैदा की जिसको रहम कहते हैं, सिला रहमी। ये जो रहम है ये अल्लाह की तकलीफ है। हदीस पाक में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल ने जब रहम को पैदा किया तो ये अल्लाह की कमर के साथ भी पड़ गया। कमर पूछा क्या बात है क्यों, कहा मुझे दुनिया में मत भेज, मत भेज मुझे दुनिया में, क्यों मैं क्यों ना भेज। अल्लाह इसलिए ना भेज कि मैं तेरी रहमत का एक वस्त हूं, मुझे दुनिया में ना भेज, ये काटेंगे मुझे, ये काटेंगे मुझे। तो फिर अजमतों वाले रब ने एक अजीब जुमला फरमाया, फरमाया मुझे अपने जलाल और अपनी किबरियाई की कसम है जो तुझे काटेगा मैं उसको काट के रखूंगा, जो तुझे काटेगा मैं उसको काट के रख दूंगा। पता ही चला कि ये जो रिश्तेदारी है, ये जो सिला रहती है, एक दूसरे से मोहब्बत और मोहब्बत है, ये अल्लाह के यहां इतना बड़ा शर्फ है, ये अल्लाह के यहां इतना बड़ा एहसास है कि इसकी वजह से इंसान कायम है, इसकी वजह से इंसान कायम है। और जिससे मोहब्बतें निकल गई, एहसास निकल गया, फिर वो चलता फिरता जानवर है उसके अंदर कोई, बल्कि जानवर में भी एहसास होता है, वो भी अपने बच्चों का प्यार रखता है, उसके अंदर भी किसी दाग नहीं है ऐसा, फिर वो रोबोट है, नहीं है उसकी कोई हैसियत नहीं। इसीलिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
फरमाया कि जो शख्स जाता है उसके रिस्क में उसकी उम्र में अल्लाह बरकत अता करता है, तो फरमाया जाओ उसको बता दो कि वो रिश्तेदारी का ख्याल रखे, रिश्तेदारों के साथ उससे सुनो, उसी का रहमी करे। तो गोया जो सीधा रहमी करता है अल्लाह उसकी वजह से उसके रिस्क में भी बरकत अता फरमाते हैं, उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाते हैं। इसीलिए महबूब इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये सिला रहमी जहां उम्र में बरकत का जरिया है वहां रिस्क में बरकत का जरिया है, और वहीं पर हादसात से अल्लाह महफूज रखने का जरिया बना देते हैं। ये जो कह रहे हैं कि आज बिल्कुल एक्सीडेंट होते होते बचा है, उसमें कोई आपका काम नहीं है, ये वो कोई नेकी है जो आपने किसी अपने अजीज से की है, अल्लाह उसकी वजह से आप में बरकतें अदा फरमा दे, महफूज फरमा दे। और फिर फरमाया कि यही सिला रहमी जन्नत में जाने का जरिया बनती है, जन्नत में जाने का जरिया, जो दुनिया में रिश्तों को निभाता है मेरा रब उसे जन्नत के दरवाजे से भी कुशादा फरमा देता है। एक तरफ पुरानी तालीमात यह है कि इंसान उम्र से है, इंसान ताल्लुक और वास्ते से है, और दूसरी तरफ शैतानी तालीमात यह है कि इंसान अपनी जात के अंदर सोचे, अपनी जात का बनकर रहे, उसको किसी से कोई सरोकार नहीं है, वो अपनी जात पर सोचे, करता के वो अपनी बीवी के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों के सोचने की जरूरत नहीं है, बीवी अपनी जात के लिए सोचे, मियां अपनी जात के लिए सोचे, औलाद अपनी जात के लिए सोचे, ये है आज शैतानी एजेंडा। और शैतानी एजेंडे की तकमील के लिए, इस शैतानी एजेंडे की तकमील के लिए जहां एक तरफ एक बीमारी आई है कोरोना के नाम से, बीमारी अपनी जगह पर, इसे आधार कहो, इसे कोई तावील हो, लेकिन इसके पीछे जो मकासद है वो मकासद शैतानी है कि इंसान को इंसान से दूर कर दिया, उसके दरमियान फासले पैदा कर दिए, वो एक दूसरे के करीब बना दे, वो घरों के अंदर किसी तरह की सोसाइटी और बल को नहीं इंफरादी जिंदगी, रब तालीम देता है इज्तिमाई जिंदगी, और शैतान कहता है तोड़ की जिंदगी, अल्लाह रसूल फरमाते हैं जोड़ की जिंदगी, अल्लाह रसूल जोड़ की जिंदगी, और शैतानी कुव्वतों का एजेंडा है तोड़ की जिंदगी, और इस तोड़ की जिंदगी को बुनियाद बनाकर एक आलमी एजेंडा पूरी दुनिया में मुसल्लत किया जा रहा है। और जब हम अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से दूर होंगे, और जब हम पूरी तरह उस पर मुक्तने होंगे, तो फिर याद रखो कि मेरा रब जब उसकी तालीमात को बंदा छोड़ता है, ये जिंदगी तो छोटी सी जिंदगी है यार, एक अमल आबाद की जिंदगी है, ये जिंदगी इस पर नहीं कि मैं और आप कब्र में चले गए, ये एक तवील जिंदगी है, ये एक मरहला है, इस मरहले में हम यहां हैं,
एक मरहला है कि हम कब्र में, फिर एक मरहला है कि हम हशर में। ये मरहले की जिंदगी के स्टेजेस हैं। एक मरहला था कि हम आलम अरवाह में थे, एक मरहला है कि हम मां के पेट में थे, एक मरहला है कि हम दुनिया के पेट में हैं, एक मरहला है कि हम कब्र की पेट में होंगे, एक मरहला है कि हम हशर में अल्लाह के सामने होंगे, और फिर एक मरहला है कि अल्लाह करम फरमाए तो इंशाअल्लाह सारे जन्नत में होंगे। लेकिन ये तब है जब उसके अवामिर को माना जाए, जब उसकी बताई हुई तालीमात को बुनियाद बनाया जाए। आज मगरिब की मालूमियत में हमें हम ज़हनी तौर पर इतने गुलाम बन चुके हैं दोस्तों कि जिस गुलामी की कोई इंतहा नहीं। आज हमारा इरादी निजाम अक्सर कामों ही जो अंग्रेज के जमाने सिस्टम वही जो अंग्रेज के जमाने का, और इससे बड़ा अलमिया ये कि जो मुस्तनीस है, जो अपना मजलूमियत लेकर इदारत में जाता है, उसकी जबान उर्दू, वकील की जबान उर्दू, जज की जबान उर्दू, कौम की जबान उर्दू, लेकिन फैसला अंग्रेजी। ये दो चार की बात है, इसने गलत किया, इसने दुरुस्त किया, इसको अंग्रेजी में उलझाकर इसको कौन सा इंसान देना चाहते हैं। लेकिन हमें क्योंकि हम मकलूम हैं ज़हनी गुलाम है, चलो वो इदारत है बड़ी चीज है। हमारी शादियां होती हैं तो शादियां कार्ड अंग्रेजी की है, वो लिखा जिसको एबीसी भी नहीं आती, जिसको एबीसी भी नहीं, जिसकी कार्ड अंग्रेजी वो ना तड़ी जबान अंग्रेजी, ना जिसकी तू देना है उसकी जबान अंग्रेजी, ना जिसको पूरी आते हैं उनकी जबान अंग्रेजी, ना जिसे बाहर देसी उससे जबान बनी अंग्रेजी। ये गुलामी नहीं है, ये गुलामी नहीं है तो और क्या है। एक अगर एक तरफ एक अबू हनीफा बैठा हुआ है, इमाम अहमद बैठा हुआ है, इमाम मालिक शाफी बैठा हुआ है, इल्म का पहाड़ है, लेकिन उसे अंग्रेजी के दो जुमले नहीं आते तो बड़ी आसानी से कहेंगे अच्छा अनपढ़ है, देखिए इंग्लिश। हमें अंग्रेजी को समाज के अंदर सीखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मकलूबी एक और चीज है, गुलाम होना और चीज है, जमाना सीखने में तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक है मकलूबियत, एक है उससे मरूबियत, मरूब होना, और फिर आज कहा जाता है कि जनाब ये मदरसा जो है ये तरक्की की राह में रुकावट है। तो मैंने एक सेमिनार था वहां पूछा, मैंने कहा कि पाकिस्तान बना तो उलमा ने देखा कि निसाब तालीम ऐसा बनाया जाए जिसमें कुरान हदीस भी हो, साइंसी उलूम भी। जब आपने निसाब तालीम बनाया तो उसमें कुरान हदीस का कहीं नाम निशान नहीं था, आपने कहा हम कौम को साइंसी उलूम देंगे, कौम को साइंसी उलूम देंगे। उलमा ने कहा चलो हम ने भीख मांगकर चंदे मांगकर कुरान और हदीस के इदारे बनाए, और आपने अरबों में खरबों के लगाकर यूनिवर्सिटियां बनाई, आपने यूनिवर्सिटियां बनाई, इदारे बनाए, लेकिन आज भी
मुसलमान मुल्कों में तेल निकला, कोई किसी मुसलमान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो तेल लगा कर साफ कर सके। ये गलती बोल रही, ये 70 साल से आपकी यूनिवर्सिटियां बनाकर लोग पैदा कर रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने क्यों नहीं किया? लेकिन हम सिर्फ मक्खी में मक्खी मारने वाले, क्लाइमेट पैदा करने वाले, और हम समझते हैं आज पाकिस्तान में जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियां हैं 500, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी एक यूनिवर्सिटी उस लेवल की नहीं। लेकिन इन्हीं और हमारे आप सबसे ताम लेकर इसी पाकिस्तान में वो इदारे बनाए कि आज दुनिया भर में जहां के हिंदी कोई दीनी और लोगों की तकबीर करना चाहता है तो उसकी तकबीर उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि वो पाकिस्तान के दीनी मदारस की तरफ रुख नहीं करता। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आइए हम मजहब की गुलामी से खुदा का वास्ता या अपने आप को थोड़ा सा आजाद सोचें। अजमतों वाले राम ने, अजमत वाली किताब ने बड़ी अजीब बात कहा, सिर्फ एक जगह कूड़े का ढेर पड़ा है,
अगर वो साफ हो जाए तो बाकी उसमें कोई कमी नहीं है। ब्रॉड ब्रश एक दिन की रिपोर्ट, दूसरे दिन भी रिपोर्ट, तीसरा था मुझे तीसरा किधर गया था क्योंकि हमारे साथ गया था पता नहीं किधर गया। घंटों बाद वो आया पसीना पसीना हुआ, भाई तूने क्या एक रिपोर्ट देनी थी किधर गुम हो गए? उसने कहा हुजूर आपने बहुत उमदा रास्ता बनाया, बहुत उमदा रोड बनाया, लेकिन हुआ ये कि वहां कचरे का एक ढेर था तो मैंने कहा कि इतनी मेहनत से एक रोड बनाया गया लेकिन कचरे का ढेर है, इसने जो है ये एक पैबल लगता है इस बड़ी चीज, तो मैंने चाहा कि इसको साफ कर दो, तो ये जितना वक्त लगा मुझे वो कचरा साफ करते हुए लगा, अलबत्त उसके नीचे से एक बक्स मिला मुझे, वो बड़ा वजनी बक्स है, लॉक है, तो मैंने सोचा कि वो आपकी खिदमत में पेश करूं। के लिए जो बॉक्स है ना इसमें दिरहम दरानी सी भरा हुआ है, और ये मैं देखना चाहता था कि जबानी जमा खर्च वाले लोग कौन है, अमीर कौन है। ये थे दोनों जबानी जमा खर्च वाले, इन्होंने जबानी जमा खर्च की रिपोर्ट दी तुमने अमली दी, लिहाजा ये था कि जो इसके नीचे जाएगा उसको ये इनाम मिलेगा। आज हमारे शौक आप ये है कि हम कब से आपको करेंगे गलती की तरफ निशान नहीं तो करेंगे लेकिन उस गलती को खत्म नहीं करेंगे। इमाम अलंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कहते हैं बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, अचानक आप खामोश हो गए, फरमाए इसमें कोई ऐसा बंदा है जिसने अपने किसी रिश्तेदार को नाराज किया हुआ है, वो उठ जाएगा। एक नौजवान उठ के जाए, थोड़ी देर के बाद वापस आए, पूछा भाई आप उठ के गए वापस क्यों आए? अल्लाह के महबूब आपने फरमाया कि जिसने किसी रिश्तेदार को नाराज कर रखा है वो उठ के चला जाए तो मेरी खाला मुझसे नाराज थी, तो मैंने सोचा कि जाऊं उससे माफी मांगू, मैंने उसके पांव पकड़े माफी मांगी उसको राजी कर दिया, तो राजी करके वापस आया। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया पता है मैंने क्यों कहा, कि सुनने की बात क्यों कहा? और मैं इसलिए कहा कि मैं निगाहे नबूवत से रहमत इलाही को उतरता हुआ देखता हूं, और जब तुम इस मज में बैठे तो रहमत आना बंद हो गई, तो मैंने महसूस किया कोई ऐसा बंदा है जो कता रहमी करके आया है, जो कता रहमी तो लिहाजा जब तूने वापस आया तो उस रहमत को फिर उतरता हुआ देखा। जहां एक नौजवान की सूरत हाल ये हो तो रहमत मुंतका हो जाती है, तो जहां पूरे माशरे में हर दूसरा मुद्दा दूसरे को काटने वाला हो वहां रहमत कैसे आएगी, वहां पे बरकत कैसे आएगी, वहां पे कर्म कैसे आएगा? मेरे काम के एहतराम दोस्तों आवाज़ करो कि हम कतारहमी नहीं करेंगे, हम रिश्तों को तोड़ने वाले नहीं बनेंगे, जोड़ने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से अगर किसी ने गलती की दरगुजर करें, और जब आप बंदे होकर दरगुजर करोगे तो कायनात का रब तब होके हमसे दर तो फरमाया वल्लज़ीन यअक़ुलूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकि व यक़्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युस्ला व युफ़सिदूना फिल अर्ज़ फसादा
کے میثاق کو اللہ کے ساتھ کیا ہوا میثاق اگریمنٹ توڑ دیا اور اس چیز کو یقتمون ما ویقتمون ما امر اللہ به ان یوصل جہاں اللہ نے جوڑنے کی بات کی وہاں وہ توڑنے کی بات کرنے لگا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین پہ فساد مچانے لگا اللہ فرماتے لَهُمْ لَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اس پہ اللہ کی لعنت اور اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ آج شیطانی نظام جوڑ کی بات نہیں کر رہا توڑ کی بات کر رہا ہے اور جب وہ توڑ کی بات کرے تو امت کو چھوڑ کی بات کرنی چاہیے اگر یہ مختصر سا میسج سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ العزیز ہماری مسئلہ درست ہو جائے گی اللہ فضل کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائے